ये बता दे मुझे अखियाँ हैं नम, हर कदम क्यों सजा है मुझे, प्यारे वो सारे क्यों बदले सब मंजर, धड़कन रोए सब दिल के अंदर। चलो बेटा जल्दी करो। चलो 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 चलो। पापा मेरा टॉय। बेटा क्या कर रही हो? पकड़ो इसे। चलो। डैडी। अरे मेरा बच्चा आ गया। अम्मा सब ठीक तो है? कैसी है रूबीना? बेटा कमरे में है, सब खैरियत है, ठीक ठाक है। मुझे वहाँ फैक्ट्री में इत्तला मिली, अगर सुबह से पता होता मैं फैक्ट्री जाता ही नहीं आज। अरे क्यों परेशान हो रही हो, अल्लाह से दुआ करो। मैं भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुम्हें चांद सा बेटा दे। दादी भाई आ रहा है? हाँ बेटा भाई आ रहा है, तुम भी अल्लाह से दुआ करो कि भाई आए ताकि वो तुम्हारे बाबा का बाजू बन सके। अम्मा कैसी बातें कर रही है बच्चे से, भाई आए या बहन आए एक ही बात, अल्लाह की रहमत है। बस आप दुआ करें कि रूबीना की तबीयत ठीक हो जाए, अल्लाह उसे सेहत दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रोशा रो, कैसी है रूबीना? शी इज एब्सोल्युटली फाइन, माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने बेटी से नवाजा है। आपको भी मुबारक। देखा अम्मा अल्लाह की रहमत आ गई हमारे घर, मुबारक। मैं मिल सकता हूँ रूबीना से? बस हम उनको रूम में शिफ्ट कर दें फिर आप मिल सकते हैं। ठीक है। वैसे आपका फर्स्ट बेबी है? नहीं ये है पहला, वो दूसरी है हमारी। अच्छा माशाल्लाह। वैसे आपकी खुशी देखे मैं बहुत हैरान हूँ, मैंने अब तक जितने भी लोग देखे हैं उन्हें बेटियों की पैदाइश पर बेटों के लिए रोते देखा है। क्या कह सकते हैं जी, लोगों की अपनी अपनी प्रायोरिटीज हैं, जिसका जो दिल चाहे। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। सॉरी। किस बात की? आंसू क्यों तुम्हारी आंखों में? मैं आपको बेटा नहीं दे सकी। क्या यार तुम पागल वागल हो गई हो हैं? अल्लाह ने तुम्हारे जरिए मुझे रहमतों से नवाजा है। लेकिन आपकी ख्वाहिश। मेरी ख्वाहिश अल्लाह की मर्जी से बड़ी है क्या? जब अल्लाह ने तय कर लिया तो मैं कौन होता हूं कुछ बोलने वाला। तुम्हें पता है मैंने क्या सुन रखा है? मैंने सुन रखा है कि अल्लाह अपने चहीते अपने पसंदीदा बंदों को बेटियां देता है और फिर उसके हाथों को मजबूत करते हैं। भाई समझ में? तो मैं इतनी बड़ी रहमत से मुंह कैसे मोड़ सकता हूं? आज आपकी इज्जत मेरी नजरों में और बढ़ गई। थैंक यू। नो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। एक मिनट मुझे दे दे। ये आएगी पहले अपने बाप के पास, शहजादी मेरी। इतनी छोटी सी है, मेरा गुड्डा बेटा। चलो भाई बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह
फटक कर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या लस्सलाह, हय्या लस्सलाह, हय्या लस्सलाह, हय्या लस्सलाह। الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله। बिल्कुल तुम्हारी शक्ल। कलमुए, कब से कह रही हूँ रुक रुक, बहरा हो गया क्या? अरे गली आगे तो आया हूँ। चुप, एक गली आगे तो आया हूँ। जाओ किराया देती जाओ। काहे का किराया? ठहर इधर, लड़की भी ला रही हूँ, पैसे भी ला रही हूँ। धमकी नहीं है ये? दो साल के कैद तो तुझे यूं होगी मेरी बच्ची पे हाथ उठाने के जुर्म में। और ये औरत के जो आंसू होते है ना, उनमें बड़ी ताकत होती है। ठहर जा, भी पुलिस को फोन करती हूँ। सुबह नहीं, हसीन सुबह। वैसे आप भी कमाल, जब तक रमशा ना आपको उठाए आप बेड से बाहर ही नहीं आते। बेगम साहिबा, आपको क्या पता, ये जो बेटियों के लॉर्ड होते हैं ना, उनसे बाप को कितना मजा आता है। सुबह सुबह फिर तूने मनुष्यत डाल दी? अब तक क्यों चिपटी बैठी हुई है जोंक की तरह यहाँ पर? निकल यहाँ से, चल निकल, गोली की तरह यहाँ से निकल। ऐसे कैसे निकले? अम्मा, हला वारिस नहीं है मेरी बच्ची। अम्मा, इस जहन्नुम से निकाल कर ले चल मुझे। अरे तू रो ना मेरी बच्ची, तेरी माँ आ गई है मैदान में। हाँ आ जा मैदान में, मगर याद रखियो तमाशा नहीं लगने दूंगी कोई। हाँ चुपचाप ले जा बेटी को यहाँ से। काश तूने इसे उजड़ने के बजाय घर बसाना सिखाया होता तो ये नौबत ना आती। अरे खबरदार, जो तूने मेरी तरबियत पे कोई उंगली उठाई हो तो। बहू बसाने का हुनर तुझे नहीं आता, इल्जाम मुझे दे रही है। याद रख ले, तू भी जिस तरह जोंक सी चपटी है ना अपने बेटे से, तेरा बेटा भी नहीं बसने वाला। अरे जा, मेरा बेटा बसे या ना बसे, मगर ये बात तय है, तेरी बेटी का घर कभी नहीं बसने वाला। हाँ इसमें ये गुनी नहीं है जो किसी का घर बसा सके, इसीलिए तो मेरे बेटे ने 1-2-3 फारिग कर दिया। अरे बेड़ा घर को तेरा सत्यानाश हो। अरे तेरा दिल ना फटा ऐसी बात करते हुए। अरे क्या हो गया? ओ बस कर दे खाला, जो होना था हो गया, ज्यादा वावला मचाने की जरूरत नहीं है, ले जा अपनी बेटी। हाय इस दिन के लिए तूने चौखट पकड़ी थी मेरी। हाय कितना समझा दी थी तुझे, अब क्यों रो रही है? अब खुश है? आई लग गया माथे पे तलाक का दाग। चल जा, अब जा सामान लेके अपना, या और जूते खाने इन मनुष्यों से। ओ जरा ध्यान इधर कर मेरी तरफ, हक मेहर के पैसे लाके रख मेरे हाथ पे। आय हाय, कैसे मेहर के पैसे, कौन से पैसे? चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। 1,00,000 तो तेरे अच्छे भी देंगे, वरना शोर मचा के पूरा मोहल्ला इकट्ठा करूंगी। ओ बस कर दे, ये धमकी किसी और को देना। ना मेरा बच्चा, धमकी नहीं है ये। दो साल के कैद तो तुझे यूं होगी मेरी बच्ची पे हाथ उठाने के जुर्म में। और ये औरत के जो आंसू होते हैं ना, उनमें बड़ी ताकत होती है। ठहर जा, भी पुलिस को फोन करती हूँ। पुलिस स्टेशन। अरे रुक रुक, अरे मैं शरीफन बोल रही हूँ। अरे रुक शरीफन। अम्मा ये आप क्या कर रही हैं? अरे इन डायरों का किस्सा मुझे खुद पाक करने दे। तू रुक यहाँ, मैं अभी पैसे लेके आती हूँ। एक भी नोट पुराना या फटा हुआ हो ना तो हशर कर दूंगी तेरा। ओ क्या देख रहा है, ना महरम है ये, दूर कर नजरें अपनी अब। अरे ले भी आओ, कहाँ मर गई?
ये ले पकड़ पैसे और जान छोड़ हमारी। ये हुई ना बात। अरे तुम जैसे कंगलों की जान पकड़ने का शौक किसे है? चल जहान, अब इस जहान में तेरी माँ के सिवा तेरा और कोई नहीं। चल आजा बेटा, आजा, मुड़ के ना देखना पीछे। चल भाई सीधा चल। पापा ने मुझे डरा ही दिया। अरे जनाब मेरा काम ही डराना है इसलिए डरा दिया। पापा आप जल्दी से उठ जाना, फिर आपको भी ऑफिस के लिए हो जाएगी, मुझे भी स्कूल के लिए देर हो जाएगी। अरे आप लेट हुई हैं, बाबा लेट नहीं हुए। हो गई आपकी सुबह? सिर्फ सुबह नहीं, हसीन सुबह। वैसे आप भी कमाल, जब तक रमशा ने आपको उठाया आप बेड से बाहर ही नहीं आते। बेगम साहब आपको क्या पता, ये जो बेटियों के लॉर्ड होते हैं ना, उनसे बाप को कितना मजा आता है। आता ही नहीं आता, आता ही नहीं आता, आता ही नहीं आता, आता 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 आता। चलो भाई जल्दी से उठो, देर ना हो जाएगी। चलो 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 भाई चलो। हाय अम्मा, कैसी माँ है तू? बेटी के तलाक के पैसों से बिरयानी फोड़ रही है। कसम अल्लाह पाक की, तेरे इस बात ने ना मरहूम अब्बा की याद दिला दी। कहा करते थे खाने पीने के मामले में शर्म नहीं करनी चाहिए। कभी कभार ना अम्मा मुझे शक होता है तू मेरी सगी माँ है भी या नहीं। बकवास ना कर, तेरी सगी माँ ना होती तलाक कराती तेरी। शरीफा नाम है मेरा, तू जानती नहीं है मुझे। फिर भी अम्मा कम से कम एक दिन का शोक तो बना लिया कर। अरे शोक क्यों, अरे खुशी मनाते हैं रिहाई की, वो भी बड़े ट्रेडिशन से जश्न मनाते हैं। कसम खुदा की अम्मा बड़ी ही बेशरम है तू। तू बड़ी शर्म वाली है, तेरी तो शक्ल देख के पहचान डालूं। दिल में कितने लड्डू फूट रहे हैं उस कंगले से रिहाई के। चल बंद कर नौटंकी, खा बिरयानी। ओए इधर आ, तेरे को मैंने बोला था ना कि लेग पीस लाइयो, ये क्या है, जाके तगड़ी वाली लेग पीस लेकर आओ। सुन इधर 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 वापस, दो ठंडी यख बोतलें लेके आ हड़ हराम, जल्दी। लेकिन अम्मा अब हम करेंगे क्या, पूरे हैदराबाद में हम माँ बेटी तो बदनाम हो गए हैं। दो मंगनियां पहले ही टूट चुकी हैं, अब ये निकाह भी खत्म हो गया, घर भी किराए का है। हक मेहर के पैसे हैं ना तेरे, ऐश करेंगे दोनों माँ बेटी, तब तक कोई अच्छा सा मुर्गा भी फंसा लेंगे। जिस तरह तू मेरे हक महर के पैसे लुटा रही है ना, देखना कुछ दिनों में हम सड़क पर आ जाएंगे। अबे चुप, जल्दी ढूंढ लेंगे, फिकर की क्या बात है। अबे ले आ मनहूस। ये लो भाई मिठाई खाओ।
सल्फिशिस की मिठाई सर। बेटी हुई है हमारे यहाँ। मुबारक हो सर, बहुत बहुत। आपका भी खैर मुबारक। ये ले जाइए इम्तियाज साहब। बहुत मुबारक हो आप। थैंक यू, जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया। और कौन रह गया? हाँ जी सुबिया, ये लीजिए मिठाई खाइए। थैंक यू सर। वेलकम। बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको। थैंक यू, थैंक यू। करीम, करीम ये मिठाई लीजिए। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाइए, वहां सबको खिलाइए, को रहना नहीं चाहिए। फिक्र ना करें, सबको दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू भाई। जवाब नहीं सलमान साहब का, अल्लाह ने दूसरी भी बेटी दी मगर मजाल है माथे पे शकन भी आई हो। हाँ भाई ठीक कहते हो, आजकल तो पहली बेटी की पैदाइश पे ही लोग दूसरी शादी के चक्रों में पड़ जाते हैं। भाई मैं तो कहता हूँ अल्लाह ऐसा शोहर हर औरत को दे। वालेकुम सलाम। भाभी कहाँ है? वो तो कमरे में है, मैं उनके पास। हाँ ठीक है। बहुत मुबारक हो। खाला कैसी हैं आप? अरे तुम्हें बड़े दिनों के बाद अपनी खाला याद आई है? खाला ख्याल तो आपका दिन रात आता है मुझे। एक नंबर का झूठा और मकार है। ठीक कहा ना अंकल ने, आ जा मेरा बेटा। देख रही खाला इसे कैसे बिगाड़ रही है मेरे बेटे को। तेरा बेटा कहाँ से आ गया? भाभी का बेटा है, तुझ पे जाता तो बशकला होता। आप मेरी भतीजी मुझे दिखाए। तुझ पे नहीं गई सड़ू, ले लिया बदला। और मैं किस पे गई हूँ? अरे मेरी जान, इधर आ मेरे पास। तुम मुझ पे गई है और किस पे जाएगी? बिल्कुल बाप जैसी है। रुबीना भाभी तैयार नहीं हुई? अब अभी तक नहीं, बस हो गई हूँ, आ रही हूँ। वैसे रुबीना भाभी कमाल है सलमान भाई भी, आज के दौर में ऐसा इंसान हैरत की बात है। हाँ सही कह रही हो। तुम्हें पता है मुझे लगता है कि मैं दुनिया की खुशनसीब तरीन औरत हूँ जिसे सलमान जैसा पार्टनर मिला। जब नर्स ने आकर बताया था ना कि दूसरी भी बेटी हुई है तो थोड़ी देर के लिए मैं डर गई थी कि पता नहीं सलमान का क्या रिएक्शन होगा। भाभी कैसी बातें करती हैं आप, इतने साल हो गए आपको सलमान भाई के साथ, अभी भी ऐसा खौफ? जिसने जिंदगी खौफ में गुजारी हो ना वो हर वक्त सहमा रहता है। मैंने अपनी माँ को बेटियां पैदा करने के जुर्म में असियत में जिंदगी गुजारते देखा है। लेकिन सारे मर्द तो एक से नहीं होते ना, अब ये फिक्र छोड़े और खुशियों को दिल से मनाएं, ठीक है? सब लोग इंतजार कर रहे होंगे और हम यहाँ बातें कर रहे हैं। अरे आप गजरे तो पहन लें। गजरे? गजरे अभी नहीं। क्यों? बाद में सलमान पहनाएंगे। ओहो चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रमशा, हैप्पी बर्थडे टू यू। संभाल के रखे अपने पोतियों के बोझ को। मर्द के दिल में जब बेटे की मोहब्बत करवट लेती है ना तो फिर बेटियों को वजूद खटकने लगता है। जो भी होगा देखा जाएगा, अल्लाह की मर्जी है इसमें। सलमान अगर इस बार भी बेटी Thank you.
कितनी बार कहा है तुमसे अपनी कलाइयों को मेरी मोहब्बत से आरी ना रहने दिया करो, ये नाराज हो जाएंगे। आज तक मैंने खुद पहने गजरे कभी नहीं ना, भूल गए ना, क्योंकि इन कलाइयों को आपके लफ्ज की आदत है। समझ में आया ये बात है, लाइए साहिबा ये। सही है, भूल गए थे ना। हाँ गलती हो गई, I'm sorry। अभी भी नाराज हो यार, इतनी सी बात पे नाराज हो गई, भूले क्यों? हाँ गलती तो हुई है, चलिए ठीक है, फिर हम आपके सामने अपने कान पकड़ते हैं, आपसे माफी चाहते हैं कि आज के बाद हमसे ही गलती नहीं होगी, तो मुस्कुरा दीजिए। मोहब्बत में कभी कमी मत कीजिए, जी नहीं पाऊंगे। अगर ऐसी बात है तो ऊपर जाने से पहले हमें बता दीजिएगा, ताकि इस दौरान हम दूसरी लड़की ढूंढ लें। मजाक में भी नहीं, जान से मार दूंगी। ठीक है, वैसे तो वो भी यही कहती है, लेकिन मुझे जोखिम है। नहीं, तुम्हें पता है जब तुम्हारे होंठों से मुस्कुराहट चली जाती ऐसा लगता है जैसे मेरी सांसें छोटी होने लगी है, और जब तुम्हारे होंठों पर मुस्कुराहट लौट आती है तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी वापस आ गई। खुश रहना। मुझे तो जैसे ही खबर मिली मैं तो भागी चली आई। ये तो तेरी मोहब्बत है, सुना है बहुत बड़ी दावत की थी सलमान ने। अरे खुशियां बड़ी हो ना तो हर दावत छोटी लगती है, और यही हाल मेरे सलमान का है। दीवाना हुआ हुआ है, अरे उसका बस चलता रहा तो पूरा शहर इकट्ठा कर लेता। एक बात कहूं बानो आपा, बुरा तो नहीं मानोगी, दूसरी बेटी के पैदाइश पे इतनी खुशी दीवानगी ही लगती है। तो कहना क्या चाह रही हो? अरे मैं क्या कह रही हूँ, ये तो सारा जमाना कह रहा है, भला ऐसा भी कोई मर्द देखा है जो बेटियों की खुशियां बेटों से ज्यादा मनाता हो? बेटा तो सहारा बनता है और बेटियां नीरा बोझ, और फिर पहलोटी की औलाद अगर बेटी हो जाए ना तो मर्द औरत को चलता करता है, मगर दुनिया से निराला है आपका बेटा तो, जो दो बेटियों की लाइन लगाने पर भी बीवी को सर आंखों पर बिठा रहा है। ना मैं कहती हूँ बानो आपा, आप क्यों नहीं समझाती, या आप भी पोतियों की दादी बनकर दीवानी हुई जा रही हो? कप रख। अरे क्या हो गया आपा? कप रख और निकल जा मेरे घर से। हाय हाय, ये कौन सा तरीका है मेहमानों से बात करने का? अरे तेरे जैसे मेहमान के साथ इसी तरह से बात की जाती है? मेरे ही घर में बैठ के मेरे ही घर की खुशियों को कोसे जा रही है? वो तो हो गया बानो आपा, अब हद से ज्यादा हो गया है। अरे औकात तो तू दिखा रही है, तू कौन होती है मेरे रब के फैसलों में तफरीक करने वाली? तू भी तो एक औरत है, बेटी बन के पैदा हुई है किसी के घर में, ना हंजार कहीं की। चल निकल मेरे घर से, और आइंदा मेरे घर में कदम मत रखना। हाँ हाँ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपकी बातें सुनने का। संभाल के रखे अपने पोतियों के बोझ को, मर्द के दिल में जब बेटे की मोहब्बत करवट लेती है ना तो फिर बेटियों को वजूद खटकने लगता है, और फिर बीवी हो या बेटी औरत को दिल से उतरते देर नहीं लगती, याद रखना मेरी बात।
जिन लोगों की जिंदगी में अहमियत नहीं होती उनके लिए आंसू बहाना बेवकूफी है। लेकिन इस औरत की बातों ने मेरे दिल का खौफ बढ़ा दिया है। अगर कभी जिंदगी में कभी भी अगर सलमान के दिल में मेरी जगह कोई और आ गया तो मैं नहीं जी पाऊंगी। औरत का तो हर पल इसी खौफ में गुजरता है। ये तो मर्द की मोहब्बत होती है जो उसे इस खौफ से निजात दिलाती है। और मुझे फखर है कि मेरा बेटा ऐसा ही एक मर्द है। अगर इसके बावजूद भी तुम्हें खौफ महसूस होता है तो मैं ये समझूंगी कि मेरी ही तरबियत में कोई कमी रह गई है। नहीं नहीं, आप समझ नहीं रही। मुझे सलमान की मोहब्बत पर शक नहीं है, मगर ये जो अगर मगर है ना, ये शकों पैदा करते हैं। भरोसा रखो, ये वहम अपने दिल से निकाल दो। हम जैसे ही कम अकल लोग हैं जिन्होंने ये रीति रिवाज बनाए हुए, और हमने ही इस सोच को बदलना है। अरे बेटा, लेकिन छोड़ दे, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। एक तो वो कमबख्त मेरी चाय भी ठंडी कर गई है। जा, मुझे अच्छी सी एक गर्म चाय बना। अब तो पैसे भी खत्म हो गए, दूसरा निकाह भी हो गया और तलाक भी हो गई। अब कहां से खाएंगे? हक महर के पैसे तो खत्म हो गए हैं। गरीबों के शहर में नहीं रहना अब हमने, अब तो हम करांची जाएंगे। करांची है? ठहर जा, अभी फोन करती हूँ आपा को। लेकिन पानो आपा? हाँ? वो तो तुझे सौतेला समझती है अम्मा। अरे शरीफन नाम है मेरा, जानती नहीं तो मुझे? ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि आपा भी सगा समझने लगेंगी मुझे। ये ले। हेलो। 10 बार तो शरीफर खाला फोन कर चुकी हैं, उठा लें आप। अरे मेरी तरफ से 100 बार फोन कर ले, मुझे नहीं बात करनी उस कमबख्त से। अल्लामा बुरी बात है, उठा लें, कोई इमरजेंसी हो सकती है। अरे उसे कोई इमरजेंसी नहीं हो सकती, उसकी रिश्तेदारी जरूर इमरजेंसी ले जा सकती है। अल्लाह तौबा है, इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं होती। वो बीबी जी, रमना बीबी का दूध बनाना, फीडर का है। ओहो, ये तो मैं भूल ही गई, चाव से दो, मैं अभी आती हूँ। अरे बेटा, मैं उसकी फितरत को अच्छी तरह जानती हूँ। दायन भी साथ घर छोड़ देती है, मगर वो उसकी माँ की वजह से, मेरी माँ खून थूकते थूकते इस दुनिया से रुखसत हो गई। मैं वो अजियत कभी नहीं भूल सकती। हाँ वो तो आप सही कह रही हैं, लेकिन इसमें शरीफन खाला का तो कसूर नहीं है ना। तू ये बातें नहीं समझेगी, वो अपनी माँ से दो हाथ आ गया। खा लेना, हम ही कर लें बात। अब तो बेचारी रहती भी अकेली है, बेटी की भी तो शादी करा दी, हो सकता है कोई काम हो। कर ले बात, कर ले। हाँ बोल शरीफन। आपा, मैं लुट गई, आपा मैं बर्बाद हो गई। तो क्या हो गया, रो क्यों रही हो? आपा, हम बदनसीबों की किस्मत में तो रोना ही लिखा है। आए रोए नहीं तो और क्या करें आपा। आखिर बताओ तो सही, हुआ क्या है? पहले मुझे बेवकी खा गई, अब मेरी बच्ची। अरे ना, ये कैसे हुआ? अरे कब हुआ, कल कैसे होगी बेवा? इससे तो अच्छा था बेवा ही हो जाती, कम से कम माथे पे तलाक का कलंक तो ना लगता। अरे क्या कह रही हो शरीफन, अरे अभी तो उसकी दूसरी शादी हुई थी, उससे भी तलाक हो गई। हाय आपा, बस हासिदों की हसद निकल गई, बुरी नजर खा गई। रो रो के बुरा हाल कर लिया मेरी बच्ची ने अपना। आए मेरी बच्ची तो काबू में नहीं आ रही, आए मरने मारने की बातें कर रही है। उसको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, मेरा तो उसके सिवा कोई है भी नहीं। ये तो अल्लाह की करनी है ना, और उसे भी समझा, तलाक हुई, जिंदगी खत्म नहीं हो गई। आए
पापा तू ही बात कर ले, मेरे तो काबू में नहीं आ रही। समझा समझा, तेरी भी तो बेटी है ना आपा, समझा। बानो खाला। अरे ना मेरी बच्ची, दुखी नहीं होते, अल्लाह सब ठीक करेगा। मुझे तो लगता है खाला, हमसे तो हमारा खुदा भी नाराज है। ऐसा नहीं कहते बेटा, अल्लाह ने किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया होगा। अब खुद को संभालो और अपनी माँ को भी संभाल, हालत देख उसकी। बस खाला, अम्मा की ही वजह से तो जिंदा हूँ, वरना कब की मर चुकी होती। कमबख्त, इसमें शरबत तूने नहीं डाला क्या? क्या हुआ है बेटा? फोन कट गया है। बेचारी। मैं, आपने खा लिया खाना? जी बेटा खा लिया। बर्तन उठा रही हूँ, लाइन दे। चाय ना मैं थोड़ी देर में बनाती हूँ, अभी ना मुझे घबराहट सी हो रही है। जाकर मैं रमना को। अल्लाह, अरे क्या हुआ? इधर बैठो बैठो बैठो, चक्कर आ गया मैं। जी क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, फौरन आ रहा हूँ। हाँ हाँ फौरन आ रहा हूँ। क्या हुआ? पॉजिटिव आई है, तुम प्रेग्नेंट हो। क्या होगा? आई हैव नो आइडिया। अबॉर्शन? दिमाग सही है तुम्हारा? क्या कहना चाहती हो? खून करेंगे अपने बच्चे का? नहीं, लेकिन रमना इतनी छोटी है कि एक और प्रेगनेंसी, समझ नहीं आ रहा कैसे। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा देखा जाएगा, अल्लाह की मर्जी है इसमें। सलमान, अगर इस बार भी बेटी, क्या बात है बेटा, डर लग रहा है? डर किस बात? यही कि कहीं तीसरी बेटी ना हो जाए। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। ऐसी ही बात है बेटा, माँ हूँ तुम्हारी, हमारा चेहरा पढ़ सकती हूँ। तीसरी बेटी का खौफ तुम्हें सोने नहीं दे रहा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप भी मत सोचें ऐसा। बेटा, मर्द की फितरत को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वो सोचे या ना सोचे, लेकिन ये माशरा वारिस की ख्वाहिश उसके दिल में जरूर डाल देता है। हाँ तो क्या बुरा है, ये ख्वाहिश को बुरी तो नहीं है, अगर किसी को वारिस की ख्वाहिश है तो। ये भी तो हो सकता है कि इस बार बेटा ही। मेरा बेटा, क्यों सजा है मुझे?
है भाई? क्या हुआ मेरे बच्चे? अरे आंखें नहीं है भैया। अगर इस बार की बेटी हुई तो ठीक है, बेटी हो जाए, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे यार वो भी तो अल्लाह की नेमत ही है। अरे कम अकल, बेटा हो गया ना, उस रुबीना का पत्ता काटना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। इट्स अ बॉय। सो हैप्पी। क्यों सजा